उस पर आती हूँ। इतना टैलेंट देखते हैं हम, और आप तो मतलब मैं कुछ बोल नहीं सकती हूँ, आई डोंट थिंक आई एम केपेबल, लेकिन इतना टैलेंट देखते हैं कि ऐसा लगना शुरू हो जाता है हम कुछ नहीं हैं, हम क्या कर रहे हैं, हम में कुछ भी नहीं है, मतलब बहुत ज़्यादा यूजलेस फील होना शुरू हो जाता है। बहुत अच्छा गाया यार, आउटस्टैंडिंग गाया, सुपर फैंटास्टिक हिस्टोरिक। थैंक यू सो मच सर। क्या नाम है सर आपका? सर मेरा नाम पंकज कुमार है। अच्छा, कहाँ से आप? आपको तो पता होगा सर, मैं इससे पहले शो में आया था, तो मैं उस समय आपको बोला था कि मैं बिहार के एक छोटे से गांव से हूँ। आप क्या करते हैं? सर आपको पता होगा कि हम एक गरीब है और पेट पालने के लिए किसी से कर्जा लेकर खेती करते हैं। आप किसान हैं? हाँ सर, किसान तो हैं, लेकिन एक ऐसी परिस्थिति आ गई है हमारे ऊपर और उसी में कर्ज लेकर खेती करते हैं, और बिहार में बाढ़ आने से पूरी फसल डूब जाता है सर, जिसके कारण कर्ज वाले को पैसा नहीं देते हैं, तो वो हम लोगों को बहुत गाली देता है और बहुत टॉर्चर करता है। क्या बात है यार, ये तो बहुत बड़ी बात है, मतलब देश के अन्नदाता किसान है हमारे। अन्नदाता तो है सर, लेकिन बारिश होने के कारण, बाढ़ आने के कारण पूरा फसल डूब जाता है और कर्ज देने वाले से बहुत ही ज़्यादा गाली सुनते हैं सर, इसीलिए इंडिया आइडल में आए हैं कि कुछ अच्छा गाना गाएंगे और उससे जो पैसा मिलेगा तो कर्ज वालों को सधा देंगे। तो बहुत अच्छे रहे हो सर, हम गरीब हैं इसीलिए फटे हुए कपड़ा पहनकर यहाँ पे चले आए, क्योंकि फसल डूब जाता है तो नया कपड़ा खरीदने के लिए पैसा नहीं होता है मेरे पास। आपको ये अच्छा लगा मेरा फटा हुआ शॉट, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। इतनी दूर भी आए हो तो हमारी मतलब दिल से आपके लिए बेस्ट विशेस है। थैंक यू सो मच सर। चलिए फिर, ऑल द बेस्ट। तूने जो कमाया है वो दूसरा ही खाएगा। खाली हाथ आया है खाली हाथ जाएगा। शरीर में सांस चल रही है तभी हम आपके आप हमारे, कहना है हो जब तक ये सांसें हैं तब तक ये रिश्ता है, कोई हमारा माँ कोई हमारा बाप कोई मैं किसी का बेटा किसी का भाई, लेकिन सांस रुक जाएगा रिश्ता छूट जाएगा, सांस रुक जाएगा रिश्ता छूट जाएगा। तूने जो कमाया है, तूने जो कमाया है, तूने जो कमाया है वो तू तेरा ही हाथ आया है, खाली हाथ जाएगा। जो लोग सोच रहे हैं कि मैं ले जाऊंगा, उनके लिए कहना है कि फूल पर सोने वालों से
फूल पर सोने वालों कब्र में तुझे सेज नहीं मिलेगी, ओ फूल पर सोने वालों कब्र में तुझे सेज नहीं मिलेगी। और मैं चैलेंज करता हूँ कमा के रुपया कहाँ ले जाओगे, चूंकि कफन में तुझे कभी जेब नहीं मिलेगी। गरीब है उसे मैं जरूर मदद करता हूं, लेकिन हो तूने सबके जख्मों पर रखा हर समय मरहम, हो तूने सबके जख्मों पर रखा हर समय मरहम, तूने सबके जख्मों पर रखा हर समय मरहम। लेकिन सुन लो बंदे, बाद मरने के तुझको जिस दिन हमारी मृत्यु हो जाएगी ना, अपना सगा बेटा बोलेगा हटा दो लाश को मैं कह रही हूं, बाद मरने के तुझको कोई रख ना पाएगा, बाद मरने के तुझको कोई रख ना पाएगा। तूने जो कमाया है, तूने जो कहना है कि जिंदगी तेरी गुजर गई, क्या मिला तुझे इस मंजिल में, जिंदगी तेरी गुजर गई आते आते शमशान के बाहर लिखा था, जब वो मर के गया ना शमशान, तो लिखा था कि मंजिल तो तेरी यही थी, बस जिंदगी गुजर गई आते आते, क्या मिला तुझे इस दुनिया से, जब तुझको जला दिया अपनों ने तुझे जाते जाते। और मैं कहता हूँ कि जो लेके आया हूँ जरूर लेके जाएगा, जो रोज भजन करेगा, जो रोज सच्चा दिल से सच्चा कामना सोचेगा दूसरे के प्रति, जो ईर्ष्या द्वेष भावना नहीं रखेगा, और जो दोनों हाथ उठा के ताली बजाएगा, दोनों हाथ उठा के जो ताली को बजाएगा, बस वक्त आखिरी तुझको यही साथ जाएगा, वक्त आखिरी तुझको यही साथ। वजह से तुमने उस गाने को छान छान लगा दी। तीनों की तरफ से हाँ है और टिकट ले जाओ। कोई ऐसा इतना अच्छा कैसे गा सकता है? मुझे ना सच में ऐसा लगता है कि जब मैं ऐसे रियलिटी शोज पे आती हूँ, इतना टैलेंट देखते हैं हम, और आप तो मतलब मैं कुछ बोल नहीं सकती हूँ, आई डोंट थिंक आई एम केपेबल, लेकिन इतना टैलेंट देखते हैं कि ऐसा लगना शुरू हो जाता है हम कुछ नहीं हैं, हम क्या कर रहे हैं, हम में कुछ भी नहीं है, मतलब बहुत ज़्यादा यूजलेस फील होना शुरू हो जाता है। बहुत अच्छा गाया यार, आउटस्टैंडिंग गाया, सुपर फैंटास्टिक हिस्टोरिक। थैंक यू सो मच सर। अरे वाह, जोरदार तालियां हो जाए। सबसे पहले आपको नमस्कार मैम।
नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है सारेगामा पा में, मेगा ऑडिशंस में। कैसा लग रहा है आपको यहाँ आकर? आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आपने हमें सारेगामा पा का मुख्य अतिथि समझे और मुझे इस मंच पर बुलाया। मुझे तो ये यकीन ही नहीं हो रहा है कि आज मैं इस इंडिया आइडल में के मंच पे खड़ा हूँ, और इसके पीछे का कारण है मेरी माँ का आशीर्वाद, ऊपर वाला की दुआ और आप सभी का साथ, जो इस इंडिया आइडल पे गाने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है, बस आप लोगों के कारण। और मैम, मेरा ऐसा हालत था कि मैं क्या बताऊं, मेरा ऐसा हालत हुआ था कि न खाने का रोटी था, न सोने का बिस्तर था, और क्या बताऊं, और मेरे दिल में इतना जज्बा था कि मैं इंडिया आइडल में जाने का प्रयास किया, और मुझे गाना भी थोड़ा बहुत आता था, लेकिन इतना प्रयास करने के बावजूद मैं इस मंच पे नहीं आ पाया, लेकिन बस आप लोगों के पास ये हमारी खबर गया, और मेरी गरीबी के कारण आप लोगों ने इंडिया आइडल में आने के लिए आप लोगों ने निमंत्रण पत्र हमारे घरों तक पहुँचाए, और आज मैं आप लोगों के बीच खड़ा हूँ। वैसे में तो सर, हमें इस मंच पे औकात ही नहीं है कि मैं यहाँ आ सकूँ, और गरीब को तो आप लोग जानते हैं कि नीच दिखाने की प्रयास करते हैं गाँव में। जो अभी आपने बात कही ना कि औकात नहीं है, ऐसे तो बिल्कुल भी नहीं बोलना चाहिए आपको, बिकॉज हर इंसान जो ईमानदारी से, मेहनत से आगे बढ़ना चाहता है। अगर सर आप लोगों के जैसा अगर सोच सभी को होता तो इस भारतवर्ष में न कोई भूखे रह पाता, और ना ही कोई गरीब रह पाता, और ना ही कोई ऊंच नीच का दर्जा किसी को दे। कि औकात की तो बात ही नहीं हो सकती है, उसकी औकात बहुत ऊंची है। जाति धर्म के नाम पर आज भी हमारे समाज में कुछ लोगों को उपेक्षित किया जाता है, जो कि हमारे इस विकसित समाज का एक कड़वा सच है, और इंडियन आइडल ऐसी मानसिकता का विरोध करता है। ऐसा गाओ कि दुनिया याद रखे, और घबराना नहीं, हम तुम्हारे साथ हैं। शुरू। ओके सर, ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट। एब्सोल्युटली अ फिनाले परफॉर्मेंस। थैंक यू सर। माइंड ब्लोइंग मैन, आई लव यू यार, आई लव यू मैन, व्हाट अ वॉइस, क्या आवाज है यार।